जो है कि पलटू सरकार जो है ये चुतिया बना रहा है टोटल हमारे बिहार के जो है शिक्षकों को, और उसी का चेला है वो आया है दलाल के पाठक विजय कुमार सिन्हा, ये चिल्लाता था टिक्का लगाकर, आज क्यों नहीं ये कर रहा है? सरकार को सोचना चाहिए ये बात के, और हम लोग कितना बार परीक्षा देंगे, समझ में नहीं आया कि हम लोग सक्षम है कि अक्षम है। नमस्कार, मघी आवाज में का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ गोल्डन कुमार। आज जहाँ बिहार में एक तरफ बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ समस्ता परीक्षा को लेकर तमाम शिक्षक, नियोजित शिक्षक धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। आखिर परीक्षा का विरोध इन लोग क्यों करते आ रहे हैं नजर? इसलिए कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, जिसके चलते हम लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं। क्योंकि एक ही व्यक्ति को कितने बार परीक्षा लीजिएगा, कितने बार परीक्षा लीजिएगा, ये लोग जो पदाधिकारी हैं क्या वो लोग भी 10 बार दे सकते हैं? जितना हम लोग जितना परीक्षा देते हैं क्या वो लोग दे सकते हैं? आखिर परीक्षा में ऐसा क्या चीज़ है जो कि सभी शिक्षक पीछे हट रहे हैं? ये चुतिया बना रहा है सरकार, जो सरकार है ना ये पलटू सरकार, ये नीतीश कुमार भ्रष्ट नीतीश कुमार, ये जो है कि पलटू सरकार जो है ये चुतिया बना रहा है टोटल हमारे बिहार के जो है शिक्षकों को चुतिया बना रहा है, और उसी का चेला है वो आया है दलाल के पाठक, समझ गए? ये प्योर भ्रष्ट इंसान है, सब दलाली करने आया है हमारे बिहार में। हमारे बिहार जो है कि विश्व को लोकतंत्र को गणराज्य को जो है कि देने वाला देश हमारा राज्य है, और हमारे भारत को ये प्रथम राष्ट्रपति दिया है, और बहुत कुछ न जाने क्या क्या दिया है। हमारे महात्मा गांधी को 1917 में यहाँ पर दिए भेजा आए हमारे महात्मा गांधी, उन्होंने आकर तर गए, राष्ट्रपिता बन गए, ये लोग हम ही लोग को जो है कि परीक्षा लेने के चक्कर में छुट्टियाँ बना रहा है, झूठो जब झूठा हम लोग सब कर आए हुए हैं, कोई मने कमी नहीं है, ये आवे ना हम लोग सामने क्यों नहीं आ रहा है? एक बात बताइए, बिहार में बीते दिन आरजेडी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, तो भाजपा वाले विरोध करते थे, आप लोग को सपोर्ट में थे, तो आज भाजपा का ही सरकार है, तो क्या भाजपा आप लोग? अरे सब चोर चोर मौसेरा भाई है, ये कभी जो है ये चौधरी सम्राट चौधरी चिल्लाता था, ये विकास विजय कुमार सिन्हा ये चिल्लाता था टिक्का लगाकर, आज क्यों नहीं ये कर रहा है? आज तो नीतीश कुमार भ्रष्ट नीतीश कुमार के सामने बगल में बैठ रहा है, अब विजय कुमार चौधरी को बैठा रहा है, और फिर सम्राट चौधरी को बैठा रहा है, क्यों नहीं वो ये मुद्दा उठा रहा है कि ये नीतीश कुमार ऐसे करिए, क्यों नहीं कर रहा? ये चुतिया बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? हमारे बच्चे पढ़ाए हुए अभी क्या टीचर नहीं बने क्या? है क्या टीचर जो होता है, शिक्षक जो होता है, गुरु का अर्थ होता है जो कि अंधकार की ओर उसके प्रकाश की ओर ले जाना है। जब गुरुवे अंधकार की ओर ले जाएगा, ये तो सरकार का जो मन ये है, अब इसमें हम क्या कहेंगे? आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम क्या होगा? जो हमारा करेगा, हम लोग पीछे पीछे जाएंगे, रहेंगे, विरोध करेंगे, ताला बंद करेंगे, हड़ताल की ओर जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो हड़ताल करेंगे हम लोग। जिस तरह से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, बीते दिन तमाम लोग अपने मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं, उस तरह से पटना पुलिस की हमेशा एक देखा जाता है प्रशासन की तरफ से डंटा चलता है, यानी आंसू वगैरह भी छोड़ा जाता है, तो क्या लगता है आप लोग खाने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर ही कर रहे हैं, तो इसमें डंटा की क्या बात है? हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा राइट है, हम लोग 2020 वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं, क्या हम लोग अक्षम थे? 20 वर्षों से जो बच्चों के हम लोग सेवा दे रहे हैं, और लगातार मैट्रिक में 95% 98% रिजल्ट किसके बदौलत आ रहा है? सरकार को सोचना चाहिए ये बात के, और हम लोग कितना बार परीक्षा देंगे, दक्षता दिए, टेट दिए, ट्रेनिंग किए हुए हैं, सारे योग्यता हम लोग रखे हुए हैं, इसके बाद भी सरकार को अभी तक समझ में नहीं आया कि हम लोग सक्षम है कि अक्षम है। तो आपने सुना, अभी हम राजधानी पटना के गर्दनी बाग में है, जहाँ तमाम नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं, इन लोग विधानसभा का भी घेराव करने जाएंगे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे मगर बहुत बहुत धन्यवाद।